वेल जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, स्टूडियो का कुछ सीन है, तो लॉकडाउन की वजह से हमें स्टूडियो में शूट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ भी ठीक है माहौल गाड़ी में, तो अब अगर आवाज़ थोड़ा बहुत कुछ वो तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो आज का मैटर है सेक्शन 9 के ऊपर, कि भाई सेक्शन 9 करके ही क्या वाइफ को घर में एंट्री मिलती है, विदाउट सेक्शन 9 भी हम जा सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन कुछ लोगों को, मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। तो आज हम इसी वीडियो में सारा कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको डाउट्स क्लियर हो और आपको कुछ समझ में आए, आपको अपना अधिकार पता चले, ठीक है। तो देखो, पहले हम बात करेंगे वाइफ के लिए, फिर हम फटकार लगाएंगे हस्बैंड को भी, ठीक है। तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको राइट वो बता दूँ कि अगर किसी की शादी होती है, ठीक है, सपोज एक लड़की की शादी होगी, उसने 7 फेरे ले लिए, उसने अपना घर त्याग दिया, ठीक है, उसके फादर साहब ने उसको कन्या दान कर दिया, यानी कि उसने दान कर दी वो बेटी अपने हस्बैंड वालों को, यानी कि उसके हस्बैंड वालों को, ठीक है। तो अब उसका राइट है कि उस हस्बैंड के घर में वो रहे, ठीक है, उसका राइट है, उसकी मतलब हस्बैंड वाइफ एक ही हो गए, ठीक है, शादी के बाद वो एक हो गए, देखा जाए तो पवित्र रिश्तों में जो भी आप बात करते हो, देखा जाए तो। हालांकि वो बात अलग है, वाइफ को हस्बैंड की प्रॉपर्टी में राइट वैसे नहीं है, यानी कि वो छीन नहीं सकती, वो उसको कोई अधिकार नहीं है कि हिस्से करी है वो शादी होते ही, ठीक है। लेकिन उसको रहने का अधिकार है, ठीक है, उसको रहने का अधिकार है। मैंने काफ़ी केसेस सुने थे, उसमें क्या होता है कि भाई शादी कर लेते हैं, फिर वाइफ को एंट्री नहीं देते घर में, एंट्री। इवन एक केस तो ऐसा था भाई, उसमें ना मतलब वाइफ को ना कुछ दिन अलग रखा हुआ था, ठीक है, शादी हुई, कुछ दो दिन बाद उसको अलग कर दिया, तो ड्यूरिंग वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद उसको ना मतलब बेबी हुआ, और बेबी में भी ना लड़का हुआ, ठीक है। लड़का होने के बाद भी उसके फैमिली वाले, यानी कि उसके हस्बैंड और उसकी फैमिली वाले उसको वो अपनी वाइफ को लेके नहीं आ रहे, कि भाई होता ना एक खुशी होती है यार, चलो घर में बेटा हुआ है, चलो ले आते हैं यार, सारे गिले शिकवे भूल जाते हैं, लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उन वाइफों को बता दूँ, उन बहू बेटियों को बता दूँ, भाई देखो आपका राइट है घर में रहने का, ठीक है, आपको कोई मना नहीं करेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड सेक्शन 9 करे तभी आप जाओ, या फिर आपको अपने घर में जाने के लिए सेक्शन 9 ही करना पड़ेगा, आप वैसे भी जा सकते हो, ठीक है, आपका राइट है। वो अलग बात है, लोग बेइज्जती के लिए जाते नहीं है कि भी हम किस मुँह से जाएं, वो देखो वो आपका मैटर है, ठीक है, वो आप देखो कैसे आपको, वो तो हमारी हिम्मत वाली बात है ना, हम किसी चीज़ को कैसे डील करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। वैसे आपका राइट है, अब राइट तो देखो छीनना ही पड़ता है, ठीक है, कोई आपको भीख में तो देगा नहीं राइट, तो राइट है तो आपको हल्की बहुत तो वो दिखानी पड़ेगी, आपको छीनना पड़ेगा राइट, ठीक है। तो अब बिना सेक्शन 9 के भी अपने घर में, अपने हस्बैंड के घर में जा सकते हो, ठीक है, हस्बैंड का घर नहीं, वो आपका ही घर है, ओके, आपने शादी किया तो आप जा सकते हो रहने के लिए, ओके। ये तो हो गई भाई वाइफ की तरफ से, अब हस्बैंड की पारी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सेक्शन 9 डाल देंगे, ठीक है, वाइफ को लेके नहीं आते, या फिर कुछ लोग सीरियस ही होते हैं, कंसर्न होते हैं कि भी अपनी वाइफ को लेने के लिए, वो सेक्शन 9 डाल देते हैं, ठीक है। सेक्शन 9 के बाद भी उनकी वाइफ आती नहीं है, डिक्री विक्री हो जाती है। देखो यार एक बात हूँ आपको, मतलब ये फैमिली मैटर होते हैं ना, ये ना प्यार से ही निपटते हैं, ठीक है, आप कितना भी केस चले जाओ, कितना भी कोर्ट, ये ना लास्ट रिसोर्ट होता है, सेक्शन 9 है ना लास्ट रिसोर्ट है, लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। अब आप सेक्शन 9 का जो एक्ट देखोगे ना, वो पता है कब का था, 1955 का, ठीक है, और अब क्या चल रहा है भाई, 2020 चल रहा है, 2020 का और 1955 का कितना फ़र्क है, उस टाइम डालते थे सेक्शन 9 देखा जाए तो, ठीक है। अब आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और ये जितना फैमिली मैटर में आप झुकोगे ना, उतना ही ठीक रहेगा, ठीक है। और कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते हैं कि जो फैमिली मैटर होते हैं ना, मतलब जो परिवार के मैटर होते हैं, वो ना घर के अंदर सुलझाए जाते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि यार एक हद भी तो होती है, ठीक है, माना हद भी होती है, लेकिन सपोज आप सेक्शन 9 करते हो वाइफ के लाने के लिए, ठीक है, कोर्ट में पहले कितने केस पेंडिंग है, ठीक है, एक नया मामला और आपका आ गया, फिर वकीलों की फीस, फिर टाइम कंज्यूमिंग, 6-6 महीने वैसे ही टाइम लग जाता है यार, ठीक है। अब इतना टाइम आप वहाँ पे लगाओगे, मान लो आप कोर्ट के थ्रू आप सेक्शन 9 कर रहे हो यार, इतना टाइम और पैसा अगर आप अपनी बीवी को मनाने में लगाओ, आप अपनी बीवी को मनाने में लगाओ, वो पैसे जहाँ आप केस में खर्च करोगे, वहाँ अपनी मतलब इंजॉय करो, पार्टी करो, पिकनिक पे जाओ, ठीक है, वहाँ पे करोगे तो कितना अच्छा लगेगा, और फिर टाइम कितना लगे पता नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी वाली बात है ना, आपने तो डिसीजन नहीं देना ना, वो तो कोर्ट ने देना है, कोर्ट पता नहीं वाइफ के फेवर में दे, हस्बैंड के फेवर में दे, वो तो 1/N प्रोबेबिलिटी है ना। तो आप समझिए, अगर आपको लग रहा है कि भाई ऐसे ही बात बन जाती है बिना उसके, तो आप देखो सेक्शन 9 के चक्कर में ना पड़ो, वो तो लास्ट रिसोर्ट होता है, लास्ट रिसोर्ट, यानी कि जब सारी हदें पार हो जाती हैं कि यार अब तो बस
अब बहुत हो गया, तब की बात है। अगर आपको लग रहा है तो यार छोटे मोटे उसमें आप ना पढ़ो, कोर्ट वोट में ऐसी जितना पैसा वहाँ लगाओगे इतना अपनी पत्नी को मनाने में लगाओ, इतना इन्जॉय करो, ठीक है, क्यों चक्करों में पढ़ रहे हो, ठीक है, और फिर पता नहीं कितना टाइम लग जाए। हालांकि अब मैं ये नहीं कह रहा कि सेक्शन 9 इफेक्टिव नहीं होता, इफेक्टिव पूरा है, पर वो ये ना यार एक मतलब हंसती खिलती फैमिली को क्यों कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे यार कैसा वकील है भाई, कोर्ट ही नहीं जाने दे रहा, ये है वो, यार कैसे बताऊँगा तो मैं ना, मतलब इतना टाइम वेस्ट, इतना है तुम्हारे पास टाइम, इतना टाइम है, चलो हम तो कह ही सकते हैं, बाकी आप समझदार हो। सो आई होप इट इज़ क्लियर। तो कोई भी कोई डाउट हो आप इंस्टाग्राम पे लिख सकते हो। अगर आपको पर्सनल सर्विसेज चाहिए ना, आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए, तो देखो यार इन डिस्क्रिप्शन में ना पहला बॉक्स होगा, वहाँ पे एक नंबर होगा, वहाँ पे आप पे करो, कॉल करो, हमारे एडवोकेट साहब हैं उनसे कॉल करो, हमारा स्टाफ है पूरा, तो उनसे कॉल कर लो, ठीक है, और अपनी समस्या हल कर लो। अगर आपको फ्री में एडवाइस चाहिए तो देखो इंस्टा पे आप अपनी क्वेरी भेजो, और आपको टाइम तो लगेगा ही, ठीक है, हमें भी काम होते हैं यार, तो सबको काम होते हैं, ठीक है, तो टाइम इज़ मनी। अगर आपको टाइम बचाना है, इंस्टेंट वो चाहिए, तो पे करो और आप कॉल करो, ठीक है, और डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले ही दे रखी है। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। चल।